हेलो दोस्तों, हाउस फोर यू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल जोशी और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक लग्जूरियस फ्लैट लेके। इसका इंटीरियर एक बार आप देख सकते हैं, देन मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। तो आप जो ये देख रहे हैं, पूरा ये लिविंग एरिया है और ये आपका एल शेप में सोफा लगा हुआ है। अब बात करूं मैं आपको क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ के, तो ये पूरा फ्लैट जो है ये फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलेगा। जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी वो चीज़ आपको मिलेगी, तो आप एक एक चीज़ देखते हुए चलना। जिम, योगा, इन सब का स्पेस हमने यहाँ पर दिया है। उसके अलावा इंडोर गेम्स हो गए आपके, दो अपन ने इसके अंदर लिफ्ट लगाई है। किचन में क्या दूंगा वो भी बताऊंगा आपको मैं, सारा हर एक चीज़ पूरी की पूरी किताब साथ में लेके आया हूँ। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, भैया कि आप ये नहीं बताते, आप वो नहीं बताते। प्राइस भी बता देता हूँ मैं आपको, प्राइस इसकी 70 लाख रुपए है जो कि नेगोशिएबल है, और बताऊँगा मैं एरिया कौन सा है। अब आपको प्राइस पहले बता दिए, अब आपको रुकना पड़ेगा लास्ट तक। लिविंग एरिया आपने देखा पूरा, एक बार मैं आपको लिविंग एरिया की साइज़ बता देता हूँ, देन हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका जो लिविंग डाइनिंग दोनों एरिया एक साथ है, तो इसका जो साइज़ है वो है 10.5 x 20 स्क्वायर फीट, मतलब 10.5 आपका ऐसे हो जाएगा और 20 फीट ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि पंखा जो है वो आपको क्रॉम्पटन कंपनी का लगा के दे रहे हैं हम। पंखा चल रहा है, क्रॉम्पटन कंपनी का है, और यही सेम आपको तीनों रूम के अंदर यही मिलेगा। मतलब लिविंग रूम हो गया एक तो आपका, और दो आपके बेडरूम हो गए, दोनों बेडरूम में आपको यही मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आप आइए एक बार। अब इस बेडरूम की जो साइज है वो है 12 x 14 स्क्वायर फीट, आप देख सकते हैं। ये भी क्रॉम्पटन का ही फैन है आपके। देन फिर आपके ये सामने एसी लगा हुआ है वोल्टेज का, आप देख सकते हैं ये भी। फिर आप ये फॉल सीलिंग पीओपी आप देख सकते हैं। ये आपका बेड है 6 x 6.8 स्क्वायर फीट का। फिर ये आपकी हो जाएगी वार्डरोब्स जो कि आप देख ही सकते हैं। आपको बहुत सारा स्पेस दिया गया है, तो यहां पर आपको स्पेस की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आपके स्लाइडिंग डोर हो गए इसके अंदर। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी भैया स्लाइडिंग डोर वाला लेके आओ, तो ये स्लाइडिंग डोर वाला लेके आया हूँ आज। ये हो जाएगा आपका एलसीडी पैनल के लिए। इसके अंदर भी हमने लाइटिंग करी है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं, जो इसको ब्यूटीफुल लुक दे रही है। देन वेंटिलेशन के हिसाब से, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी है, और छोटी मोटी एक्सरसाइज सुबह शाम करनी है आपको तो आप इसको इसके साथ आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका वेंटिलेशन के लिए हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक बार। देन हम सेकेंड बेडरूम की तरफ चलेंगे। एसी आपका लगा हुआ है, पंखा आपका लगा हुआ है, लाइटिंग आपकी लगी हुई है। आपको सिर्फ कपड़े लेके आना है और यहाँ पर रहना है। और ये हो जाएगा आपका सेकंड बेडरूम, जो कि यही होगा आपका मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं कितना स्पेस है इसके अंदर। इसके साथ आपको अटैच बालकनी मिल जाएगी। यहाँ पर भी इसमें आपका क्रॉम्पटन का फैन है, वोल्टस का एसी लगा हुआ है। जस्ट सामने आपको यहाँ पर एलसीडी का पैनल लग जाएगा आपका। देन ये आपका स्लाइडिंग डोर वाला वार्डरोब्स लगी हुई है इधर की तरफ, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि भैया ऐसा लेके आओ, तो ऐसा हो गया। अब आपके साथ आप जो बोलोगे आपको मिल जाएगा। फिर सैनिटरी की बात करें अगर अपन, तो कमोड और बेसिन जो है आपके वो होंगे सेरा कंपनी के। आप देख सकते हैं एक बार, जो भी मैं बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ये आपके ग्रोही की हो जाएगी सैनिटरी जो है वो, और इस रूम के साथ ही आपको अटैच बालकनी मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं। ये आपकी बालकनी हो जाएगी। अब बालकनी की भी आपको साइज बता देता हूँ, और साथ ही साथ इस बेडरूम की भी साइज बता देता हूँ। तो आपकी बालकनी की जो साइज है वो है 5 स्क्वायर फीट, और इस रूम की जो साइज है वो है
11x13 स्क्वायर फीट, हर एक चीज देख के बता रहा हूँ आपको, थोड़ा आपको नॉलेज में रहे। अब हम चलेंगे किचन की तरफ, और किचन में भी आपको किचन आपको मॉड्यूलर मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लिविंग रूम के साथ भी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपकी मैश विंडो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, उसके साथ ही आपको ग्लास विंडो भी मिल जाती है। अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। किचन में भी आप देखेंगे तो आपको चिमनी और ये सब हम साथ में लगा के दे रहे हैं। फ्लोरिंग की बात करूं अगर मैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिख रहा है वही बता रहा हूँ, हर एक चीज आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल है यहाँ पर, मतलब रिटर्न में भी हम आपको दे रहे हैं। और ये इधर हो जाएगा आपका वॉश एरिया, जिसमें एक सिंक हमने इधर भी दिया है आपको, ताकि ज्यादा अगर बर्तन हो तो आप यहाँ पर भी वॉश कर सकते हैं। अब अगर मैं फेसिंग की बात करूं तो फेसिंग होगी इसकी नॉर्थ फेसिंग, जो कि सबसे बेस्ट। अगर आप विंटर के टाइम में यहाँ पर बैठे हैं तो साउथ आपका इस साइड आ जाएगा, ताकि साउथ की सारी धूप आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो इस फ्लैट का एक बेनिफिट ये भी है, इसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ में है, और इधर आपका पूरा खुला हुआ एरिया है, जो कि आपने अभी देखा ही था। प्राइस मैंने अब आपको बता दी है, आपको अब मैं साइज़ बताऊँ तो साइज़ इसकी हो जाएगी 1295 स्क्वायर फीट, पूरे सुपर बिल्डअप एरिया है इसका। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया आपको बीरानगर बी ब्लॉक में मिलेगा ये फ्लैट, 100 फीट रोड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये फ्लैट मिलेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ, कॉमन वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूं, देन इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। चलते हैं हम कॉमन वॉशरूम की तरफ। आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस दिया है कॉमन वॉशरूम के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देना था इसलिए, जस्ट आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है इसके अंदर। इसमें अपन ने बेसिन भी दिया है साथ में, उसके अलावा एक बेसिन हमने बाहर की तरफ भी दिया है जस्ट वॉशरूम के बाद, आप वो भी देख सकते हैं। कमोड और बेसिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेरा कंपनी के हैं। जो मैंने बताया था आपको, एक बेसिन हमने बाहर भी दिया है, बाहर की तरफ ये देख सकते हैं आप। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 30 फ्लैट हैं, और 30 फ्लैट के अंदर 30 फ्लैट है, और 30 फ्लैट के अंदर आपको 18 से 19 फ्लैट सोल्ड आउट है। 2 BHK फ्लैट सिंगल यही फ्लैट पड़ा हुआ है, जो कि हम फुल्ली फर्निश देंगे। एक मिनट अब मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपकी ये स्लाइडिंग डोर दिया है, ताकि अब आपको अगर कॉमन वॉशरूम के अंदर अगर एक्सेस लेना है तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, देन आपको एक गेट यहाँ से ओपन करना है, उसके बाद ही आप अंदर एंट्रेंस कर पाएंगे। प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी थी, साइज भी मैंने बता दी है, यहाँ क्या मिलने वाला है वो भी मैंने बता दिया है, किस किस कंपनी का क्या क्या लगा हुआ वो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करके आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।